नमस्कार। सीधी माही भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष देव प्रताप सिंह के धर्मपत्नी श्रीमती रजनी देव कुमार सिंह सरपंच पद के उम्मीदवार रही जमुई कला से, जो उनके भारी मतन से जीत हासिल करी नहीं। आज बाजे गाजे के साथ रैली निकाली गए और भगवान बढ़ौरा नाथ के ही दर्शन कीनगा आई मिलवाई थे और सुनवाई थे कि का कुछ कहा है। नमस्कार, जय बिंद। हम मृत्युंजय मिश्रा आज अपना कहीं बढ़ौरा मंदिर शंकर जी के एंड से ही मुलाकात करवाई थी नवनियुक्त भाजपा के जिला अध्यक्ष और अब हाल में ही सरपंची के जो चुनाव रहा हुआ चुनाव सरपंची के जीते हम बढ़ौरा शंकर जी में दर्शन करे आए हम आई अपना पंचन का मिलवाई थे और कुछ बातचीत करी थे और सुनवाई थी का कुछ कहा। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सरपंच में 2002 से हो रहा हूँ, पहले मैं था, फिर एक बार उप सरपंच था मैं। ये 2012 से 17 तक ये थे, फिर अब फिर से हुई है। तो अब अभी हाल ही में आप जिला अध्यक्ष बने हैं, तो इस किस तरह से देखते हैं आप, क्या सोचते हैं जनता के लिए क्या करेंगे? जनता की सेवा करने के लिए तो मैं इनको लड़ाया है। मैं अध्यक्ष हूँ, मैं पार्टी काम करूँगा, ये सरपंच है, ये जनता की सेवा करेंगी, जनता के ग्राम पंचायत के विकास करेंगे। साथ ही जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पूरा पात्र हितग्राहियों को दिलवाएंगे। आप जनता के सेवा करने का अवसर मिला है तो क्या सोचती हैं जनता के लिए किस तरह से सेवा करेंगे? बहुत अच्छी तरीके से सेवा करने का मेरा मन था, इसलिए मैं चुनाव लड़ी, अपने पति से जिद की, फिर बोले कि लड़ लो, तो मैं उनकी सेवा करने के लिए पूरा तैयार नहीं था चुनाव लड़ा। हाँ, बोले थे कि हो गया। और शंकर जी का आशीर्वाद है, जनता का श्रेय है मेरे। क्या था कि मैं जब जिला अध्यक्ष हो गया तो मैं सोचा कि सब कहेंगे कि अभी जिला की कमान इनके हाथ में, फिर भी ये लालच कर रहे हैं, तो मैं इनको बोला कि ना लड़ो, तो ये बोली कि मैं लड़ूंगी और जनता की सेवा करूंगी। और गांव वाले से फिर मैं पूछा सब, ये गांव वाले दबाव दिए आके, ये सब महिलाएं हमारी बहनें सब माताएं भाई जितने थे पूरा गांव एकजुट होकर इनको चुनाव लड़वाया और प्रचंड मतों से इनकी विजय हुई। 838 वोट कुल पड़े थे, 1000 वोटर हैं, 1036 में 838 पड़े थे, 838 में 57% इनको अकेले मिला है, 465 लगभग 465। विपरीत में दो लोग थे, तीन लोग लड़े थे।